मैं निगाराब्दीन कथाकथन अलाहाबाद से आज भीष्म साहनी जी की कहानी उलैलबाज लड़का पढ़ने जा रही हूँ। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक गोतराज नाम का लड़का था, इससे हम सब डरते थे। जब वो चिकोटी काटता तो लगता जैसे सांप ने डस लिया है। बड़ा जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ से वो बर्रे पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाते तो फूल पर बैठी तितली को लपककर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच मसल डालता। अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती तितली में पिन कोसकर उसे अपनी कॉपी में टाँक लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो स्वयं बिच्छू मर जाता है। बोधराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पक्षियों के घोंसले पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वो ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसले में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते। ये वो झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसले में से अंडे निकाल लाता। जब तक वो घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डाले उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीज़ें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार छाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ काट खाता। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते मगर बोधराज ना जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वो हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोहर रहती है, जानते हो गो क्या होती है? नहीं तो क्या होती है वो? गो सांप जैसा एक जानवर होता है, बालिश्त भर लंबा मगर उसके पैर होते हैं, आठ पंजे होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठे। हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गो रहती है, वो बोला। जिस चीज़ को वो अपने पंजों से पकड़ ले वो उसे कभी नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ती। हम सिहर उठे। चोर अपने पास गो को रखते हैं, वो दीवार फाड़ने के लिए गो का इस्तेमाल करते हैं। वे गो की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फाड़ना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गो अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचें तो गो दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फाँद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गो छोड़ती कैसे है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गो के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। फर्श ईंटों के, छत ऊँची ऊँची और ढलवा। कमरे बड़े बड़े लेकिन दीवार में लगता जैसे गारा भरा हुआ था। बाहर खुली ज़मीन थी और पेड़ पौधे थे। घर तो अच्छा था मगर बड़ा खाली खाली सा था। शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त या यार भी वहाँ नहीं था। तभी वहाँ बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। दिन भर गुटुरघूं चलती रहती। वहाँ पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार वो झाऊ चूहा लाया जिसका काला थूथना और कटीले बाल देखते ही मैं डर गया था।
माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वो जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि वह गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है, मगर माँ तुम ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं ये थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, ये तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है, घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। चुनांचे जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा था, हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर छुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुँचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मांद में पहुँच गए हों, बला की भूथी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा, वो घोंसलों को तोड़ फोड़ कर गिराएगा, पक्षियों के पर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। ना जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती थी और अब ये कह दिया कि घोंसले तोड़े। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैने के घोंसले की ओर देख रहा था। गोदाम की ढलवा छतें तिकोन सा बनाती थी, दो पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबा शहतीर कमरे के आर पार डाला गया था। इसी शहतीर पर टूटे हुए रोशनदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था जिसमें से उभरे हुए तिनके, रूई के फाहे और लटकती थिगलियाँ हमें नज़र आ रही थी। ये मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटुरघूम गुटुरघूम कर रहे थे और सारा वक्त शहतीर के ऊपर मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साथ ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झाँकती नजर आईं। देखा, बोधराज कह रहा था, ये विलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप ज़रूर अपने काफले से बिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया होगा। इनके माँ बाप कहाँ हैं, मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज के गुलेल से फर्र की आवाज़ निकली और इसके बाद जोर के टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा छत पर जा लगा था। यहाँ टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोंच घोंसले के बीच कहीं गायब हो गई और फिर सकता सा आ गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए थे। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और बार किया। अब की बार कंकड़ शहतीर से लगा, बड़ा अकड़ा करता था। दो निशाने चूक जाने पर वो बौखला उठा। अब की बार वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई और घोंसले के बाहर झाँक कर देखने लगे, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा, तीन चार तिनके और रुई के गाले उड़े और छितरा छितरा कर फर्श की ओर आने लगे, लेकिन घोंसला गिरा नहीं। बोधराज ने फिर से गुलेल तान दी थी। तभी कमरे में एक भयानक साया सा डोल गया। हमने नज़र उठाकर देखा, रोशनदान में से आने वाली रोशनी सहसा ढक गई थी। रोशनदान के सीकचे पर एक बड़ी सी चील पर फैला बैठी थी। हम दोनों ठिटक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। ये चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है, चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, ये मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चूचों की ऊंची आवाज़ आने लगी। घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष से खड़े हो गए ये देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी।
हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आ गई। उसने अपने पर समेट लिए थे और रोशनदान से उतर कर गोदाम के आर पार लगे शहतीर पर उतर आई थी। वह अपना छोटा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था, गोदराज भी चुप था। न जाने वह क्या सोच रहा था। घोंसले में से बराबर चूचू की आवाज़ आ रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। मैना के बच्चे बुरी तरह डर गए थे। यहाँ रोज़ आती होगी, गोदराज बोला। अब मेरी समझ में आ गया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। ज़रूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मांस के टुकड़े और खून सने पर इसी की चोट से गिरते होंगे। गोदराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। जब से चील रोशनदान पर आकर बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। गोदराज अब भी मूर्तिवर खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैंने मन में बार बार कहा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या गोदराज अपने गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक गोदराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी गोदराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर साध दिया। चील को मत छेड़ो, वो तुम पर झपटेगी, मैंने गोदराज से कहा। मगर गोदराज ने मेरी बात नहीं सुनी और गुलेल चला दी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकरा कर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने कहा, डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से ये वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वैनी तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। गोदराज ने एक और निशाना साधा, मगर चील उस शहतीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैलाए तैरती हुई सी आधा चक्कर काटकर फिर से शहतीर पर आ बैठी। घोंसले में बैठे बच्चे बराबर चोचो किए जा रहे थे। गोदराज ने छत से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकाल कर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाओ, चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पर जा खड़ा हुआ। फिर गोदराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए। जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से दोनों हाथों से घोंसले को शहतीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतर कर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे हुए ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। हम गोदाम में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाज़ा था और दीवार में छोटा सा एक झरोखा। यहाँ भी गैराज के आर पार लकड़ी का एक शहतीर लगा था। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, गोदराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए थे। गोदराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था, फिर भले ही उसने उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँक रहे थे। गोदराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। गोदराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा।
ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वो चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब गोदराज मेरे घर आया तो ना उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकर, बल्कि जेब में बहुत सारा चुकर भर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुकर डालते और उनके करतब देखते रहे। थैंक यू।